मेरे पास इस वक्त ये सामने एक टोकरी है जिसमें गोल्ड मेडल्स का ढेर है और मैं अब ये गोल्ड मेडल्स गिन रहा हूं। आपने मुझे काउंट करके बताना है कि ये कितने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सताईस, अट्ठाईस और 29 गोल्ड मेडल। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में हीरो वो है, मशहूर वो है जो या नाच गाने में कोई अहम किरदार अदा करते हैं या किसी की कोई गाना गाते हुए, डांस करते हुए वीडियो वायरल होती है, और उससे भी ज्यादा बदकिस्मती यह है कि टीवी चैनल्स, टॉक शोज, मॉर्निंग शोज, सब लोग उन्हें अपने टीवी चैनल्स और शोज में बुलाते हैं जो किसी अपनी वीडियो की वजह से वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, कोई नाच गाने में। इससे हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को क्या दर्स दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक असल हीरो के साथ, और मैं समझता हूं ये मेरे लिए बहुत फख्र का बायस है कि मैं आज आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर आया हूं। ये 29 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के MBBS बनने पास करने वाले तालिब-ए-इल्म डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वलीद मलिक ने, और आज वलीद हमारे साथ मौजूद है। और पाकिस्तान में कोई इस चीज को हीरो नहीं समझता, शायद हमें इसकी जरूरत नहीं है, वो तो यूके जाने की तैयारी कर रहा है। आज जब मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर से फ्री होकर फेसबुक पे देखा कि वलीद ने 29 गोल्ड मेडल MBBS में हासिल किए हैं, तो मैंने इसे फोन किया। वो लाइब्रेरी में बैठा है और यूके जाना चाहता है, इस मुल्क को शायद इसकी जरूरत ही नहीं है, वो यहां से छोड़ के जा रहा है, और उसे भी, उसे जाहिर है बाहर जाना है, उसने अब ये तालीम हासिल की है तो वो बाहर चला जाएगा। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ताकि हम दिखा सकें वो सब लोग, निदा यासिर साहबा जो हमारे टॉक शोज में बैठे होते लोग हैं, कि ये हमारे असल हीरो हैं, हमारे बच्चों के असल रोल मॉडल ये हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद यार, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या खाते हो यार, बादाम खाते हो, कोई कुश्ते खाते हो, हकीमों के क्या चीज खाते हो, इतने गोल्ड मेडल कैसे हासिल किए? नहीं मैं खाता नहीं, मैं पढ़ता हूँ इसी वजह से। नहीं फिर भी मैं देखो डॉक्टर हूँ, MBBS किया है, मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा है कि एक इम्तिहान पास करना इतना मुश्किल काम है, और ये इतना ये ढेर लग गया गोल्ड मेडल्स का, ये कैसे हासिल की? ये कंटिन्यू स्ट्रगल और मेहनत चाहिए, उसके साथ साथ अल्लाह ताला का करम होना जरूरी है। और मेरे माँ बाप ने और मेरे घर वालों ने जितना मेरे पे फोकस किया, उन्होंने मेहनत की मेरे पे, और बाकी सारी चीज़ों से मुझे आज़ाद करके उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया। चाहे जो भी वक्त हो, मैं उनको जो भी काम कहूँ या जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे प्रोवाइड करते थे, जस्ट टू मेक इट कम्फर्टेबल फॉर मी। और इसके साथ साथ अगर मैं दोस्तों को भूल जाऊँ तो वो उनके साथ ज्यादती होगी। अच्छा, यानी आपके दोस्तों की भी कंट्रीब्यूशन है इसमें? जी, फिजान अहमद हैं, उसामा हैं, डॉक्टर हमदान हैं, डॉक्टर अवैस हैं, ये सब हैं। इन्होंने 5 सालों में जब भी मैं लो फील किया, इन्होंने मुझे उठाया, मुझे यू नो हर एक आपको मोटिवेशन होती है, या दोस्त होते हैं जो बंदे के लिए बूस्टर का काम करते जी हैं। जी वो जाहिर सी बात है, जो चीज़ अभी जो लग रहा है कि मैंने ये जो अचीवमेंट किया है कि एक अचीवमेंट आराम से आ गई है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं। बंदे को कभी फील होता है कि आई एम नॉट फिट फॉर इट और मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए। नहीं लेकिन वली देखो, मैं MBBS में, मुझे याद है हम जब इम्तिहान होता था, अगर जितने जाहिर MBBS के स्टूडेंट हैं वो आपको देख रहे होंगे, डॉक्टर्स, प्री मेडिकल, मेडिकल के लोग, एक प्रॉफ पास करना, प्रॉफ हमारा इम्तिहान होता है जो फाइनल का FCPA, उसमें MBBS के बाद इम्तिहान होता है एग्जाम, तो उसको प्रोफेशनल एग्जाम को प्रॉफ कहते हैं, तो वो पास करना इतना मुश्किल होता है, तो ये क्या हर वक्त पढ़ते रहते थे तुम? नहीं, स्टार्ट में तो मैं फ्लो के अंदर चल रहा होता था। एक अपना मैंने स्केड्यूल बनाया था, उसके हिसाब से मैं चल रहा होता था कि मैंने इस तरह के चलना है,
और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर बिल्डअप करता था। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट विद द बेसिक्स, उसके ऊपर जो बुक्स एक्स्ट्रा पढ़नी होती थी जस्ट टू डिस्टिंग्विश माई सेल्फ फ्रॉम अदर्स। और एक सीनियर्स की गाइडेंस भी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेरा एक था कि मैं अपनी गाइडेंस एक और अपने तरीके से निकालूं। और क्योंकि अगर एक इंसान को सबसे आगे निकलना होता है तो उसको एक अलग अपना रास्ता चूज़ करना पड़ता है। मेरी कामयाबी में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि एज यूजल हमेशा की तरह एक एक जो भी जर्नी होता है उसके अंदर एक टीचर्स एक सेंटर पार्ट होते हैं। तो डॉक्टर शगुफ्ता थे, डॉक्टर प्रिंसिपल हमारे जो हैं डॉक्टर फरीद जफर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। डॉक्टर यासर नबी तैयब हैं मेडिसिन के, डॉक्टर मोइन हैं हमारे आई के, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करके रखा, तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स कहता हूँ। और डॉक्टर फोजिया थे एनेटमी की हमारी हेड, डॉक्टर मुनीजा फ्रॉम फिजियो, उन सब ने मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट करके रखा। अच्छा, कि आपके पेरेंट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है इसमें? पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन से ही तो हम स्टार्ट से जवान हुए हैं और उन्होंने ही सब कुछ किया है। तो जो कॉन्वोकेशन भी था डॉक्टर वो अपनी मर्जी से, ख्वाहिश से बने हैं या वालदैन की ख्वाहिश नहीं, बने? वालिदैन की ख्वाहिश थी अच्छा, वो उन्होंने शुरू में कहा कि इस आप, बात पे उनके साथ मेरा इख्तलाफ था, अच्छा आप लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, नहीं, मैं थोड़ा सा इस मामले क्या बनना मेरा चाहते थे आप? डिसीजन नहीं था ना मेरा एक्चुअली। हमारा अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया इस सोसाइटी का ये भी है कि बच्चों को कहा जाता है कि डॉक्टर्स बनना है या इंजीनियर्स बनना है या और कुछ कोई फील्ड नहीं है। तो मैं अपने जो देख रहे हैं वालिदैन, उनको भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये दो फील्ड्स नहीं रह गई, और भी फील्ड्स हैं। अब दुनिया आईटी की तरफ भी जा रही है, बेशुमार इदारे हैं, अपने बच्चों को जहाँ उनका दिल करता है वहाँ उनको भेजें। तो नहीं तो आप क्या बनना चाहते थे? मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भी सोचा ही नहीं था अच्छा, आपका डॉक्टर बनने का इरादा नहीं था कम नहीं से कम, था यानी आप अनफॉर्चुनेटली। पेरेंट्स की। तो मेरा ख्याल है कि हम वलीद के, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वलीद मलिक के पेरेंट्स से भी मुलाकात करते हैं, तो अब हम उनके वालिद साहब से भी मिलेंगे और उनकी वालदा से भी, और उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें अपने बच्चे पर कितना फख्र है और वो क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले वलीद के वालिद साहब से मुलाकात करते हैं, मलिक इल्तिजा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आप एक ऐसे बच्चे के वालिद हैं जो पूरी कौम का हीरो है, मैं समझता हूँ, और जजाकल्ला मेरा सैल्यूट है आपको और आपकी फैमिली को। ये जजाकल्ला। जो टोकरी है, ये जो मेडल से भरी हुई थी, इसमें तो वालदैन आमतौर पे, मुझे याद पड़ता है, मंगनी की मिठाई लेके जाती हैं, उसके तोहफे जाते हैं, तो आपके पास तो ये गोल्ड मेडल से भरी हुई थी, तो इस टोकरी को माशाल्लाह, उठाते हुए कैसा महसूस कर रहे थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी तर्ज पे की, इखलाकी तौर पे की, और उनको दीनी और दुनियावी तालीम दिलाने की जो मैंने ही नहीं बल्कि मेरी मिसेज ने बहुत साथ दिया इसमें, और आज उसका समर मैं देख रहा हूँ, वो माशाल्लाह। गोल्ड मेडल्स की सूरत में मेरे पास आ रहा है। तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। हमारा तो अक्ल तो अल्लाह की ज़ात पे ही है शुरू से ही, और उसकी ख़ास रहमत है, उसकी ख़ास मेहरबानी है, एहसान है हम बेशक, पे, इसमें कोई हम शक नहीं। उसके और शुक्रगुजार हैं कि देख उसने हमें ये वक्त दिखाया। रहे हैं, अच्छा सर, परसों कॉन्वोकेशन हुआ था वलीद का, जिसमें इसको ये 29 गोल्ड मेडल्स मिले थे। किसी जी हुकूमती शख्सियत ने आपसे रब्ता किया? नहीं, किसी ने भी नहीं। इवन मैं समझता हूँ कि वहाँ कॉन्वोकेशन में सेक्रेटरी ने या किसी और किसी में भी कोई मतलब इस सिलसिले में कोई बात नहीं। शायद ये हमारी तरजीहात ही नहीं, शायद हाँ जी, मुझे यही आजकल की लगता तरजीहात तो आपने देखे ही है। है। और यही बच्चे फिर जब अमेरिका, लंदन, बर्तानिया जाते हैं, तो वहां टॉप क्लास न्यूरो सर्जन बनते हैं, टॉप क्लास कार्डिक सर्जन बनते जी हैं, जी पाकिस्तानी बाहर छाए हुए हैं, जी जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स। अब हम वलीद की वालदा साहबा से भी मुलाकात करते हैं, ताकि उनसे भी पूछते हैं कि वो कितना फख्र महसूस कर रही हैं, क्योंकि मैं जब पोजीशन लेता था सेंटर मॉडल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मेरे वालदेन में यही झगड़ा होता था कि वालदा कहती थी मेरा ज्यादा किरदार है और वालिद साहब कहते थे नहीं, मेरा ज्यादा किरदार आप देखिए, किरदार तो जो है ना वालदैन का दोनों का होता है। ये ऐसी गाड़ी है जो एक पहिए से नहीं चल सकती। है। बिल्कुल, तो वलीद की वालदा से हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या महसूस कर रही है। वलीद की वालदा हमारे साथ मौजूद है। आपको कैसा महसूस होता है कि आप इस अजीम और काबिल फख्र नौजवान की वालदा हैं? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि हम मैं इस बच्चे की वजह से अल्लाह ने दुनिया में भी
शोहरत अता की है, और अल्लाह ताला आखिरत में भी शोहरत अता करे, इज़्ज़त अता करे। अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त दी है और आखिरत में भी इज़्ज़त दे। बाकी इसकी ज़ाहिर है मेहनत है, जहानत है और इसकी काबिलियत है। विदाउट एनी अकेडमी मेरे बच्चे जो हैं पढ़े हुए हैं। तो आप घर में पढ़ाती थी इनको? हाँ जी, एक इनका टाइम टेबल बनाया हुआ था स्कूल से आके, रोज़ाना इन्होंने अपने उस पर टाइम टेबल के मुताबिक बैठ के पढ़ना है। जितनी माएँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चे की जो उसकी जो करेक्टर बिल्डिंग है, उसकी जो तालीम है, उस सब में माँ का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा तो सबसे ज़्यादा माँ से अपने से सीखता है। उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि हमने प्रायोरिटी दूसरी चीज़ों को रखा हुआ है, उनको अगर हम छोड़ दें और हम अपने बच्चों की तालीम को प्रायोरिटी रखें और हम दूसरी फजूलियात में ना पढ़ें और कोशिश करें कि हम अपने बच्चों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दें। उनके लिए जाहिर है माँ बाप ने ही कुर्बानी देती हैं। अगर हम ज़्यादातर बाहर अपने आप को मसरूफ रखेंगे तो वो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप जो हैं घर में, माएँ जाहिर है बाप ने तो सुबह जाना है और शाम को आना है, सारा दिन तो माँ ही होती है, तो माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को देखें, उनकी लुक आफ्टर करें, उनको जहाँ कमी है जो चीज़ है उनकी तलीम के हवाले से पूरी करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम है। अब हम वलीद से ही दोबारा बात करते हैं। अच्छा, ये बाज लोग कह रहे थे कि यार 29 तो सब्जेक्ट नहीं होते MBBS में, और आपने 29 गोल्ड मेडल ले लिए, ये कैसे आए हैं गोल्ड मेडल आपके 29? एक्चुअली इस मेडल्स के अंदर डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स है उसका अलग क्राइटेरिया है, और हमारे प्रोफेसर होते हैं, स्टीम प्रोफेसर होते हैं, उनके नाम के गोल्ड मेडल्स होते हैं। अच्छा, बेस्ट ग्रेजुएट का मेडल होता है और पोजीशंस के मेडल। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं हाउस ऑफिसर हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर, और इसके बाद यही प्लान है कि इंशाल्लाह यूके प्लेप करके यूके में आगे प्रस्यू करना है, और इवेंचुअली इफ कंडीशंस प्रिवेल इन पाकिस्तान, अच्छी होंगी कंडीशंस, तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान को ही सर्व किया जाए। नहीं, आपने कहा कंडीशंस अच्छी होंगी, मुझे तो यकीन करें एक बंदे ने इतने गोल्ड मेडल लिए हैं, होना तो ये चाहिए कि सारा पाकिस्तान का मीडिया, और ये गोल्ड मेडल किसी मैट्रिक इंटर के बोर्ड में नहीं है, ये MBBS में गोल्ड मेडल्स हैं। पहले आपने 1 लाख बच्चे, मेरा ख्याल है एंटी टेस्ट में अपीयर होते हैं कोई तकरीबन, उनने साबित किया कि आप उनमें उन 3,000 लोगों में शामिल हैं जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, और उसके बाद आपने उन 3,000 लोगों में ये साबित किया कि आप इन सब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में और इन सब मेडल्स के हकदार हैं। तो होना तो ये चाहिए कि कोई हुकूमती वजीर, कोई वजीर आला, कोई मशीनरी, कोई सेक्रेटरी घर आके कहे इस तरह के ग्रेजुएट को, मैं समझता हूं इस तरह के बच्चे को जो क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ नेशन है, मैं कहता हूं उसके पास घर में कोई बंदा आए और आके कहे कि यार ये पूरा मुल्क मुल्क है, उसमें जिस सूबे में, जिस शहर में, जिस अस्पताल में आप जॉब करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से, हम आपको जॉब देते हैं। अगर ये नहीं कर हम कर सकते अपने बच्चों के लिए, तो जाहिर है अमेरिका को तो जब पता लगेगा वो उठा लेगा, यूके को जब पता चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में लोग ये चले जाएंगे, और मेरा ख्याल है बाहर जाके आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते, अभी यहाँ पे करें कोई FCPS। आपको भी पता है कि कंडीशंस हमारे पाकिस्तान में कैसी हैं, और BHU के लिए भी सिफारिश चाहिए, RHC के लिए भी सिफारिश चाहिए, और इंडक्शन क्राइटेरिया ऐसा है हमारा कि अनफॉर्चुनेटली वो हमें इतना ज़्यादा फेवर नहीं करता कि हम अपनी मर्जी से जो है वो चूज़ कर सकें कि हमने आगे किस जगह किस फील्ड में परस्यू करना है। इस पे तो मैं खैर क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपसे मैं ये शेयर ज़रूर कर दूँ कि आज मुझे 2 डॉक्टर्स मिले और उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कहीं इंटरव्यू देने गए हुए थे और वहाँ पे 6 सीटें थी मेडिकल ऑफिसर की, और वहाँ पे 600 डॉक्टर्स इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। किसी के पास कमिश्नर की सिफारिश है, किसी के पास MNA की सिफारिश है, कोई वजीर है, कोई मशीर है, बड़े बड़े लोग हैं। चले आप ये भी करें, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है और आपसे मेरी ये गुजारिश है, जो लोग खासकर अगर कोई सेक्रेटरी हेल्थ साहब देख रहे हैं, कोई सूबाई वजीर सेहत या वजीर आला, वजीर आजम कोई देख रहा है कि यार ये इतने गोल्ड, मैं तो उठा ही नहीं सकता, इतने गोल्ड मेडल्स वाले बच्चे को, इसको तो कम से कम आप अपने मुल्क के अंदर जॉब दें, इसको तो आप महफूज कर लें, ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ये ब्रेन ड्रेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों को यहाँ पे वही धक्के खाने पड़ते हैं, कभी सेक्रेटरीट में, कभी इधर सिफारिश, कभी उधर सिफारिश। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहते थे और बाकी काम
यार बाकी चीज़ें भी तो होती हैं ज़रूरी। ज़रूरी थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। आपके नाम के साथ हाफिज है और आपने हिफ्ज माशाल्लाह किया, जी जी कब किया हिफ्ज आप? फिफ्थ के बाद, फिफ्थ क्लास के बाद मैंने हिफ्ज किया तकरीबन 1.5 साल। कहाँ से? जामिया शफिया से। अच्छा, 1.5 साल में आपने जी हिफ्ज किया और अभी मंजिल पक्की है माशाल्लाह। हाँ जी, तरावियां पढ़ाता हूँ मैं। तरावी भी पढ़ाते हैं जी हर साल? हर साल, सुभान अल्लाह। यानी हर साल आप तरावी भी पढ़ाते रहे हैं रमजान में? जी। और मेरा ख्याल है रमजान के फौरी बाद ही पेपर होते हैं। हाँ जी, या पहले हो जाते हैं, बाद में पहले यूजुअली हो जाते होते हैं, जस्ट पहले तो होते वो हैं। आप उस दौरान तरावी भी पढ़ाते थे और फिर उसके बाद जी, पढ़ते भी थे, क्योंकि वो काम भी ज्यादा जरूरी है। ये आपको पहनाते वक्त कॉन्वोकेशन में शोर शराबा तो होगा? माशाल्लाह दोस्तों ने भी काफी शोर शराबा किया था और जो सारे उधर लोग थे वो यही देख रहे थे कि इसने गोल्ड मेडल्स को पहना है या गोल्ड मेडल्स ने इसको पहना माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उस पर बाज़ लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने कहा कि जी शायद मुझे किसी वायरल होने वाली किसी लड़की से या किसी लड़के से कोई इख्तलाफ है। एब्सोल्युटली नॉट, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह उनको भी तरक्की दे। लेकिन असल असासा ये हैं, असल हीरो ये हैं, असल सोशल मीडिया सेलेब्रिटी ये हैं, असल हमारे स्टार ये हैं। और मैं समझता हूँ सब लोगों को, जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोगों को इस बंदे को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को ये लेसन मिले कि इस मुल्क में तरक्की कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। और हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इनको कुछ, जो मैं कहता हूँ इनको तो नवाजना चाहिए जितना वो नवाज सकें। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, निदा यासर साहबा ने कहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह इस लड़की का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है जिसने डांस किया है, तो मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह वलीद, वेल डन यार, हमें आप पे फख्र है। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। आमीन। थैंक यू सो मच। कोई लास्ट मैसेज जो आप इस मुल्क के नौजवानों को देना चाहें? इस मुल्क के नौजवानों को यही मैसेज है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और जो मेहनत करनी है वो खुद करें। दे आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। जो भी करेंगे आप, एक तो अल्लाह पे यकीन रखना है और जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो अपने पे कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। अल्लाह ताला जो होता है ना वो आउटकम्स खुद ही निकाल लेता है। जो रास्ता बनाना होता है वो अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बना लेता है। रास्ता बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मेहनत करना, अल्लाह पे यकीन रखना। और जो एक हमारा माइंडसेट सॉरी टू से यंगर जनरेशन का बन चुका हुआ है हमारे यूथ का, कि सिफारिशात होंगी तभी ये काम होंगे, तो हमें इस टॉप पे एक दिन में मशहूर हो जाएंगे, ये भी तो है उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये जो बैरियर है ऑफ के हमने सिफारिशात ही यूज़ करनी है, तो इस बैरियर को तोड़ें और ये हमारे पास जो एक इंटरनेट है इसको यूज़ करें फॉर पॉजिटिव आउटकम्स रादर देन के नेगेटिव आउटकम्स के लिए हम यूज़ करें।